नमस्कार आम ओडिशा को स्वागत करनिग्धा आसवा संपूर्ण खबर को गुणात्मक स्कूल शिक्षा प्रदान क्षेत्र में ओडिशार उल्लेखनीय अग्रगति 2016-17 शिक्षाबर्ष देशर बड़ बड़ 20 राज्य को नहीं नीति आयोग कर सर्वे रिपोर्टे ओडिशा रही सप्तम स्थान में 2015-16 शिक्षाबर्ष नीति आयोग सर्वे रिपोर्टे ओडिशार स्थान था 13। गुणात्मक स्कूल शिक्षा प्रदान रे देशरे ओडिशार स्थान 7। 20 बड़ बड़ राज्य को नहीं नीति आयोग प्रस्तुत करिथिबा स्कूल शिक्षा इंडेक्स रिपोर्ट रे केरल प्रथम स्थान रे रहितिबा बेले ओडिशा रहिछि सप्तम स्थान रे सबा शेष रे रहिछि उत्तर प्रदेश। 2016-17 शिक्षा वर्ष पई प्रकाश पाइछि एही इंडेक्स रिपोर्ट तेबे बेस इयर भाबे 2015-16 शिक्षा वर्ष को विचार को लेछन्ति नीति आयोग। आयोगों द्वारा प्रस्तुत 2015-16 रिपोर्ट रे ओडिशा रही त्रयोदश स्थान रे एथर 6 स्थान उपरक उठी सप्तम स्थान रे पहुंचे। एथर इंडेक्स रिपोर्ट रे केरल प्रदर्शन 82.17% रहिथिबा बेले ओडिशार प्रदर्शन रही 60.23%। एही रिपोर्ट को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति दुई विरोधी दल बीजेपी और कांग्रेस। ओडिशार शिक्षार व्यवस्था संपूर्ण भाव में भुशुड़ी जा स्कूल रे मास्टर नाते कॉलेज रे लेक्चर ना टीचर ने माने जते देखु चंती राज रास्ता रे शिक्षक सब बेले जिंदाबाद मुर्दाबाद करु चंती। सरकारंकर नीति स्पष्ट न हो एवं सरकारंकर दूरदृष्टि भी नाही। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक कोठी घर थिले रूम थिले शिक्षक नांती कोठी शिक्षक थिले घरर अभाव अछि कोठी आनुषांगिक शिक्षा शिक्षार व्यवस्था पाई भित्तिभूमि नहीं तो ये भली अणदेखा करिबा शिक्षा को ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक। रिपोर्ट प्रस्तुत पाई नीति आयोग जो मापदंड को आधार करिछंती सेगुड़िक भितर रहिछि लर्निंग एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज इक्विटी एवं गवर्नेंस। तेबे गुणात्मक स्कूल शिक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक अभिवृद्धि करिथिबा 5 राज्य भितर ओडिशा रही चतुर्थरे। हरियाणा 18.5% अभिवृद्धि करिथिबा बेले आसाम अभिवृद्धि हार रही 16.8% सेपरि उत्तर प्रदेश 13.7% अभिवृद्धि करिथिबा बेले ओडिशार अभिवृद्धि हार रही 12.4%। पंचम स्थान थिबा गुजरात अभिवृद्धि हार हेउछि 10.6%। ओडिशा त्रयोदश स्थान सप्तम स्थान को उन्नीत होइथिबारु विद्यालय और गणशिक्षा विभाग उद्यम को प्रशंसा करिछन्ते मुख्यमंत्री। आगामी दिन में ओडिशा जमिति प्रथम 3 राज्य भितर रहीपरिब से विभाग आहुरी दक्षतार सह कार्य जारी रखा मुख्यमंत्री परामर्श देते। विभागीय मंत्री कहते नीति आयोग रिपोर्ट को तन्न तन्न कर तर्जमा कर दुटा वर्ग कर गोटे हूँ आउटकम आउट हूँ गवर्नान्स। वास्तव में नीति आयोग रिपोर्ट एपर्त आम पाखे पहुँचे ना राज्य सरकार पाखे पहुँचे ना तेना राज्य सरकार पहुँचवा पर ताऊपर ही केवल आम कौन कौन आम फल्स अच्छी कौन कौन अच्छी कौन दिखाई कौन पारामीटर नि कौपर भाव वर्गीकरण कर समस्त कथा से रिपोर्ट पहुँच सारापर ताको तर्जमा कला मतदा ठीक हे। गुणात्मक स्कूल शिक्षा इंडेक्स रिपोर्ट रे क्षुद्र राज्यगुड़िक भितर सबुठ उपरे रही मणिपुर आउ केन्द्र शासित अंचल भितर सबुठ उपरे रही चंडीगढ़। यही सर्वे प्रक्रिया रे निजक सामिल कराई ना पश्चिमबंग। भुवनेश्वर कैमरामैन गौरव प्रसाद राजगुरु महेश प्रसाद नंद और मनोज जेना ओडिया। आज सारा देश में बहुत किछि परिवर्तन हेबो। ड्राइविंग लाइसेंस ठारु आरंभ करि बैंकिंग टैक्स समेत मोट 8 क्षेत्र में लागू हेबो नुआ नियम। देश में बहुत किछि परिवर्तन नै आसिबो अक्टोबर मास मासर प्रथम दिन रु ही समग्र देश में किछि नुआ नियम लागू होइजिबो। केन्द्र सरकार और बैंक पक्षरु परिवहन बैंकिंग जीएसटी को नहीं प्रचलित पुराणा नियम में किसी परिवर्तन करा जाउछे। केंद्र सरकार और बैंक पक्षरु जो सब परिवर्तन होबार अछि ता मध्यरे बदली जीवा पेंशन नीति माइक्रोचिप विशिष्ट हेबो ड्राइविंग लाइसेंस होटल रूम उपरे कम हेबो जीएसटी पेट्रोल डीजल नेले मिलिबनी कैशबैक एसबीआई अकाउंट रे कम बैलेंस उपरे लागिबो कम पेनल्टी 13 सीट विशिष्ट पेट्रोल डीजल वाहन उपरु सेस कम हेबो निषिद्ध हेबो सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार
କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ହେବ କାଣଛାଣ୍ଡ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପେନ୍ସନ୍ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 7 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ସହ ସରକାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ନିୟମରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ରଙ୍ଗ ଏକ ହେବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଆର୍ସିରେ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ସହିତ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଦିଆଯିବ। ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ନିଜ ଡିଏଲ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ହୋଟେଲର ରୁମ୍ ଭଡ଼ାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଭାର ସହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମରୁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଟେଲରେ 7,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର 12% GST ଲାଗିବ। 1,000 ଟଙ୍କାର ରୁମ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା'ର କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥି ଅନ୍ତର୍ଗତ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପକାଇଲେ ମିଳିବନି କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପକାଇବା ଉପରେ ମିଳୁଥିଲା 0.75% କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍। ସେହିପରି SBI ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାତାରେ ନ୍ୟୁନତମ ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିଲେ 80% ଜୋରିମାନା କମ୍ ଲାଗିବ। ଏହା ବାଦ SBI ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 10 ଫ୍ରି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 12 ଫ୍ରି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସରକାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କିଛି ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ବୋଝ ବଢ଼ିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଗୁଜରାଟର ବନାସକାଣ୍ଠାରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। 30 ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଟି ଖାତ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ 21 ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ